आपके पास गूगल आई बी एम माइक्रोसॉफ्ट रिलायंस काफी नामी कंपनीज के जॉब ऑफर्स आए हैं 2015 या 16 में पार्लियामेंट पे एक सबसे बड़ा अटैक हुआ था साइबर सिक्योरिटी का कोटद्वार के जैसे एक छोटे से शहर में रहकर और ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी को मैनेज करना कैसे कर पाते हो अब हम साइबर सिक्योरिटी को ना हमें एक नेशनल सिक्योरिटी का दर्जा देना चाहिए मैं चौबीस साल की उम्र में जब आज का युवा या तो कोचिंग इंस्टीट्यूट के चक्कर लगा रहा होता है या करियर को लेकर परेशान होता है और बहुत ज़्यादा हो तो गर्लफ्रेंड्स को लेकर घूम रहा होता है इस एज में अगर आप अपने करियर के टॉप में हो, पीक में हो, कैसा लगेगा आज मैं जिस युवा से आपको मिलवाने जा रही हूँ वो हमारे छोटे से शहर कोटद्वार का एक युवा है जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स में डील कर रहा है और बहुत सफलता से डील कर रहा है जिसको देखकर जो इंस्पिरेशन है हमारे लोकल कोटद्वार वालों के लिए और जो व्यक्ति उसे जानते हैं तो आइए मिलते हैं आकाश बडोला जी से बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू सो मच मैम आपने फर्स्टली मुझे इन्वाइट किया अपने शो में और होप uh, करता हूँ कि आपके जो भी क्वेश्चंस वगैरह रहेंगे साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड मैं उनका सही से जवाब दे पाऊँ और जो भी uh, जो युवा है या यूथ है उसको अवेयर कर पाऊँ अपनी तरफ से जितना ज़्यादा हो सके सबसे पहले साइबर सिक्योरिटी क्या है बेसिकली हम लोग ना साइबर सिक्योरिटी को एक शॉर्ट टर्म में अगर समझना चाहें तो साइबर सिक्योरिटी एक तरीके से इंटरनेट का कवच हम बोल सकते हैं क्योंकि क्या होता है कभी भी हम लोग कोई वेबसाइट रन करते हैं या कोई भी एप्लीकेशन रन करते हैं तो उसमें होता क्या है कि हम लोग जिस टाइम पे उस चीज़ को सर्व करते हैं तो हमें क्या है हम लोग हर चीज़ें अपना चला रहे हैं इंटरनेट चला रहे हैं फेसबुक चला रहे हैं दस चीज़ें चला रहे चीज़े हैं लेकिन हम लोग क्या है कि सिक्योरिटी का जो ध्यान होता है कि कोई हम पे अटैक ना कर दे या फिर हमारे जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं उनको बाईपास ना कर दे तो उसके लिए साइबर सिक्योरिटी का एक तरीके से सिक्योरिटी बिल्ड की जाती है वेबसाइट्स और एप्लीकेशंस के लिए तो बेसिकली यही है साइबर सिक्योरिटी साइबर सिक्योरिटी इसी फील्ड को क्यों चुना आ, मेरे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन था भी नहीं क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है टू की बात अगर मैं करूँ तो आ, पापा फर्स्टली मेरे लिए ना कंप्यूटर ले आया था उस टाइम का, काफ़ी लोगों ने कहा था कि अभी से क्यों लाए क्योंकि वो टाइम ऐसा था ना कि काफ़ी ज़्यादा क्या होता है कि अगर किसी के पास कंप्यूटर आ गया तो बिगड़ जाएंगे बच्चे तो वही था कि इंटरेस्ट इसमें बनता रहा तो दिन भर मैं उसी में बैठ बैठा रहता था तो 2015 या 16 में पार्लियामेंट पे एक सबसे बड़ा अटैक हुआ था साइबर सिक्योरिटी का जिसमें कि अप्रॉक्सीमेटली फ़ाइव टू सिक्स लैक करीब डेटा जो था वो एक तरीके से लीक हो गया था तो जब मैंने इस टॉपिक को देखा तो मुझे लगा ये टॉपिक थोड़ा इंटरेस्ट इंटरेस्टिंग है काफ़ी ज़्यादा तो देन धीरे धीरे करके मैं इसकी तरफ बढ़ा मैंने पढ़ा इसके बारे में कि एक्चुअली में होता क्या है साइबर सिक्योरिटी तो इंटरेस्ट जागता रहा और मैं इस फील्ड में आगे बढ़ता रहा तो बस यही था कोटदवार के जैसे एक छोटे से शहर में रहकर और ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी को मैनेज करना कैसे कर पाते हो देखिए मेन चीज़ ये है ना कि किसी भी चीज़ को मैनेज करने के लिए हमें पहले तो शेड्यूल अपना जो है वो पूरा फिक्स करके रखना पड़ता है और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मैं नेशनल प्रोजेक्ट्स ही लेता तो उनमें क्या होता है कि मेरे को ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी लेकिन मैंने क्या किया है कि साथ ही साथ में मैं नेशनल इन्फॉर्मेटिक सेंटर जो कि गवर्नमेंट एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए भी मैं काम करता हूँ साथ में मेरी खुद की फ़र्म भी है साइबर स्काई सिक्योरिटी ओ प्राइवेट लिमिटेड करके तो उसके थ्रू मैं क्या करता हूँ कि नेशनल और इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स लेता हूँ जो कि नेस्कॉम मेरी हेल्प करता है इसमें प्रोजेक्ट्स दिलवाने में तो है कि मतलब मैनेज करना पड़ता है शेड्यूल जैसे मेरी जानकारी है आप एक रूम के अंदर आपकी अपनी एक दुनिया बनाई हुई है तो फ्यूचर में भी आपको उसी रूम से अपने प्रोजेक्ट्स को गवर्न करना है या कंट्रोल करना है या नॉलेज ट्रांसफ़र के लिए आप कोई इंस्टीट्यूट की तरह या जो नॉलेज ट्रांसफ़र करने के लिए आज का जो युवा है उसको जानकारी देने के लिए कोई इंस्टीट्यूट की तरह भी आप आगे सोच रहे हैं कुछ आगा लाने आगा। की फर्स्टली जैसे आपने मुझसे पूछा कि मैं एक रूम में ही अभी सब चीज़ें मैनेज करके अपना चल रहा हूँ आगे तो बेसिकली क्या था कि मेरे दिमाग में अभी इतना है कि मैं एक ऑफिस जो है बेसिकली अपनी कंपनी के थ्रू एक ऑफिस को इस्टेब्लिश करूँ जिसके थ्रू मैं अपना काम थोड़ा सा एक तरीके से बढ़ा सकूँ तो ये अभी सोचा हुआ है मैं इस चीज़ पर अभी काम नहीं करूँ क्योंकि जो प्रोजेक्ट्स वगैरह अभी मुझे जो काम मिला हुआ है मैं उन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस्ड दूँ और सेकेंड चीज़ जो आपने बोला है कि बच्चों को अवेयर करने के लिए इंस्टीट्यूट वगैरह आगे चल के खोलोगे तो फॉर श्योर sure मैं खोलूंगा बट अभी ऐसा है कि मेरे को लगता है ऐसा है कि आज की डेट में क्या है कि ई e ऑफिस और डिजिटलाइज ज्यादा हो रही है जो भी पूरी दुनिया है तो एक तरीके से मैं क्या करता हूँ कि वेबिनार्स वगैरह ऑर्गेनाइज कराता हूँ जिसमें कि देश भर से बच्चे जुड़ते हैं और उस में मैं एक तरीके से अवेयरनेस कैंपेन्स वगैरह रन करता हूँ साथ ही में यही है कि अगर अगर हमें किसी को ना अवेयर करना है तो जरूरी है कि हमें कोई और इंस्टीट्यूट खोलना पड़ेगा या कुछ भी करना पड़ेगा और वैसे भी जो मेरा ये फील्ड है ये पूरा टेक्निकल है तो मैं वही है वेबिनार्स के थ्रू ज़्यादा इन चीज़ों में आगे बढ़ता हूँ अवेयरनेस के लिए महिला सुरक्षा सामाजिक सुरक्षा देश सुरक्षा धर्म सुरक्षा ऐसे कई सुरक्षा के मुद्दे हमारे यहाँ जो है वो महत्वपूर्ण रहे हैं लेकिन अब आज जबकि फाइव जी का टाइम है तो और आज की जो जनरेशन है उसके बीच आजकल हमें साइबर सुरक्षा का एक नया जो है वो मुद्दा आया है कितना महत्वपूर्ण है ये साइबर सुरक्षा मैम आज की डेट में हम लोगों को पता है कि टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा एडवांस हो चुकी है और डे डे बाय डे बढ़ती जा रही है चीज़ें तो बेसिकली क्या होता है कि अब हम साइबर सिक्योरिटी को ना हमें एक नेशनल सिक्योरिटी का दर्जा देना चाहिए और यही बात शायद से अभी डिस्कशन चलता है इन चीज़ों में पार्लियामेंट के अंदर कि साइबर सिक्योरिटी को हमें नेशनल सिक्योरिटी का दर्जा देना चाहिए क्योंकि बेसिकली क्या होता है आज की डेट में ना जो वार्स वगैरह होती हैं अब तक जो वॉर्स हो रही थी वो बेसिकली किस बेसिस पे हो रही थी वेपन्स के बेसिस पे कि मतलब अगर किसी देश को जीतना है तो उसमें क्या है कि वेपन्स जिसके पास सबसे ज़्यादा होंगे न्यूक्लियर बॉम्ब्स वगैरह ये सब तो वो क्या है कि ज़्यादा एक तरीके से डोमिनेट कैरेक्टर होता है बट बेसिकली आज के डेट में ऐसा है कि आप लोगों को अगर किसी भी देश की आ, साइबर सिक्योरिटी को अगर गिरा दिया किसी भी देश की साइबर सिक्योरिटी को तो वो सबसे वीक पॉइंट है वैसे एक तरीके से बोला जाए क्योंकि आप ना पूरे देश का टेक्निकल एक जो बैकग्राउंड है उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हो और आज के डेट में क्या है कि हर चीज़ें हमारी ऑनलाइन ज़्यादा हो रही हैं तो अगर लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने लग गई साइबर अटैक्स ज़्यादा होने लग गए तो देश का चलना थोड़ा कम हो जाएगा और मैं आपको एक थोड़े से स्टैटिक्स वगैरह भी हैं तो वो भी बता देता हूँ कि हमारे देश में हर साल कम से कम 45 परसेंट से ज़्यादा मतलब कि इंक्रीमेंट होता रहता है साइबर अटैक्स का तो ये ना एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है मेरे हिसाब से साइबर सिक्योरिटी जो आज का मुद्दा है अगर हम बात करें आज के युवा को तो उसमें करियर बनाने में ज़्यादा रहेगा तवज्जो आप देना चाहेंगे या एज अ बिजनेस उसको ले जाना चाहेंगे बेसिकली uh, इस मॉड्यूल में ना बच्चे दोनों फील्ड्स में जा सकते हैं वो क्या कर सकते हैं अगर किसी का इंटरेस्ट है इस फील्ड में तो सबसे पहले ना उसको इस फील्ड के बारे में पता होना चाहिए एक होता है ना कि किसी चीज़ के बारे में इंटरेस्ट जाएगा तो उस चीज़ को करना शुरू कर दिया नहीं उसके बारे में पहले आप लोगों को थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी कि एक्चुअली में ये फील्ड है कैसा इस फील्ड में क्या काम हो रहा है अगर बच्चों को किसी भी स्टूडेंट्स वगैरह को इस फील्ड में आना है तो सबसे पहले रिसर्च बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ऐसे नहीं कि आप लोगों ने डेढ़ दो लाख के कोर्स एक साथ ले लिए और लास्ट टाइम पे फिर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो इसीलिए पहले थोड़ा सा उस चीज़ के बारे में स्टडी करो देन उसके बाद इस चीज़ में आप लोग जम करोगे तो फ़ायदा रहेगा और हाँ आपने बिज़नेस मॉड्यूल की बात की जैसे तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि आप अगर जॉब करना चाहते हैं तो काफ़ी आईटी कंपनीज हैं जिनको साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ती है तो वो क्या है कि आप जॉब के तौर पे भी कर सकते हो और अपना ख़ुद का बिजनेस भी इस्टेब्लिश कर सकते हो एज़ अ साइबर सिक्योरिटी फ़र्म इस्टेब्लिश करके अगर आपको जैसा आप बता रहे हैं कि बिजनेस के तरीके से युवा इसको ले सकते हैं तो उसके लिए क्या बेसिक रिक्वायरमेंट बेसिक रिक्वायरमेंट ये होनी चाहिए कि अगर आप बिजनेस के तौर पे कर रहे हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि फ्रीलांसिंग के तौर पे इस चीज़ को स्टार्ट करना है ऐसे नहीं कि आपने डायरेक्टली बिजनेस स्टैब्लिश कर दिया कभी ऐसा भी होता है कि बिजनेस स्टैब्लिश कर दिया बट वो रन ना करे तो वो भी एक सबसे बड़ी दिक्कत है तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अगर आप लोग बिजनेस को स्टैब्लिश करना चाह रहे हो तो आपको फ्री कंपनी मतलब एज अ फ्री लांसर कंपनीज के लिए काम करना पड़ेगा और वही काम मैंने भी किया है मैंने क्विक हील में पहले सबसे पहले तीन महीना इंटर्नशिप किया था देन उसके बाद जब मुझे लगा पूरा मॉड्यूल समझा कि बिजनेस ज्यादा बेटर है तो मैं तब साइबर सिक्योरिटी को एज अ बिजनेस के रोल पर लेके चल रहा हूँ आज के डेट में और ये ज्यादा मेरे हिसाब से ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है अगर आप लोग थोड़ा बिजनेस के तौर पर जाओगे तो एक है कोई युवा है और बहुत उत्साही है मेधावी है और वो साइबर सिक्योरिटी में आना चाहता है लेकिन रिसोर्सेज नहीं है मैं कहूँ किसी गरीब परिवार से है और वो आपकी मदद मांगे तो आप कैसे उसको मदद कर सकते हैं क्या सहायता आप उसे प्रोवाइड कर सकते हैं है? मैम मैं उसकी एज़ राइट नाउ जो सिचुएशन है अभी एज़ स्टिल मैं अभी यहाँ पर उसकी मदद इस तरीके से कर सकता हूँ कि उसको ना फ्री कोर्सेज प्रोवाइड करवा सकता हूँ इस बेसिस पे अगर देखो ऐसा होता है ना कि उसकी मदद तब की जाएगी जिस टाइम पे अगर वो आ, अपने पूरे दिल से या फिर मतलब पूरे दिमाग से इंटरेस्टेड हो उसमें अब ऐसा भी नहीं है कि अगर उसको इस फील्ड में धकेल दिया बाद में वो कर ना पाए तो फिर वो भी दिक्कत है नहीं जो इंटरेस्टेड है मैं उन्हीं हाँ, की बात क्या इंटरेस्टेड है तो उसके लिए तो फिर ऐसा है कि मैं अपनी तरफ से फ्री कोर्सेज भी प्रोवाइड करा सकता हूँ मीन्स कि अपनी जो नॉलेज है जितना मैंने गेन किया है उतना उसको दे सकता हूँ एज अ कोर्स के थ्रू कि मतलब दो से तीन महीने तक का उसको इस फील्ड में जितना ज़्यादा करना है वो कर सकता है तो वही है इसी बेसिस पे कर सकता हूँ अभी इसके लिए कोई लैब या कोई अलग सा कोई सेटअप की आवश्यकता होती है सेटअप uh, की इसके लिए आपको ना बेसिकली ऐसा है कि बेसिक चीज़ें हैं ऐसा कुछ है नहीं कि हमें कोई बड़ी सी मशीनरी रन करनी होगी या कुछ भी करना होगा आपको तो बेसिकली स्टार्टिंग में सीखना है ना इस चीज़ को तो सीखने के लिए आपके पास लैपटॉप बहुत है और कहते हैं ऐसे हैं कि अगर आपको सीखना हो तो आप फ़ोन में भी काफ़ी कुछ सीख सकते हो क्योंकि पूरा इंटरनेट से भरा हुआ है तो आप लोगों को क्या है कि उसमें ईजिली uh, जो लेक्चर्स वगैरह होते हैं वो चीज़ें ज़्यादा अटेंड करनी होती हैं आपके यूट्यूब में इतनी सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी क्योंकि नॉलेज लेने वाली बात है तो नॉलेज आपको पूरे इंटरनेट में कहीं से भी मिल सकती है तो हाँ इतना कोई वो नहीं है कि आप कोर्स के पीछे बहुत ज़्यादा खर्चा करना हो आप अपने फ़ोन से भी नॉलेज ले सकते हैं उस फील्ड में धीरे धीरे करके आगे बढ़ सकते हैं कोई अगर इसको ज्वाइन करना चाहे साइबर hmm. सिक्योरिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस hmm. तो कोई स्पेसिफिक कोर्सेज़ हैं स्पेसिफिक कोर्सेज हैं मैंने जो कोर्स किया था वो ई काउंसिल के थ्रू किया था तो ई काउंसिल में भी एडवांसमेंट इन साइबर सिक्योरिटी और एक आ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स भी है क्योंकि आज की डेट में क्या है अगर आप सिर्फ साइबर सिक्योरिटी के कोर्सेज़ को इस चीज़ में अटेंड करते हो तो वो इनफ़ नहीं है क्योंकि साइबर सिक्योरिटी के साथ साथ अगर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नॉलेज भी है तो तब जा कर के आप इस जो कि इस एक तरीके से जो करियर है इसमें आप कुछ बहुत बड़ा कर सकते हो क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्यूचर है सिक्योरिटी नो डाउट सिक्योरिटी हमेशा रहेगी लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ भी आप लोगों को थोड़ा अपने आप को पुश करना पड़ेगा दो टर्म बहुत सुनने में आते हैं डीप फेक टेक्नोलॉजी और डार्क वेब, वेब हाँ, टेक्नोलॉजी सबसे पहले तो मैं आपको ना डार्क वेब के बारे में बताता हूँ क्योंकि डीप फेक उसके बाद ही आया है डार्क वेब बेसिकली क्या है कि इंटरनेट का एक ऐसा काला हिस्सा है जहाँ पे हर एक इलीगल काम होते हैं मीन्स की मान के चलिए हम लोग तो इंटरनेट के सिर्फ सरफेस को यूज़ करते हैं जैसे बोलते हैं ना कि हम लोग गूगल यूज़ करते हैं आपका फेसबुक या हु ये सब सर्च इंजेंस यूज़ करते हैं तो ये तो सिर्फ गूगल का पूरे इंटरनेट का चार परसेंट है मींस कि हम जो नॉलेज देखते हैं सिर्फ वो चार परसेंट की नॉलेज हमें हमारे सामने दिखती है लेकिन बाकी की जो नाइन्टी की नॉलेज है वो सारी की सारी डीप वेब और डार्क वेब में होती है बेसिकली ये क्या होता है इसमें सारे इलीगल काम ज़्यादा होते हैं मीन्स कि यहाँ पर कोई रोक टोक नहीं होती और ये भी है कि ऐसा भी कहा जाता है कि ईजिली हम लोग इस चीज़ को एक्सेस नहीं कर सकते और विदाउट इन्फॉर्मेशन अगर हम लोग डार्क वेब को एक्सेस करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा ख़तरा हो सकता है आपको डिजिटली बहुत ज़्यादा और दूसरी चीज़ जैसे आपने बोला ना कि डीप फेक टेक्नोलॉजी क्या है तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ही एक क्रिएटेड टेक्नोलॉजी है ये बेसिकली क्या होता है इसमें आपने आज के डेट में न्यूज़ भी देखा होगा कि काफ़ी ऐसे एक्टर्स वगैरह की जो फ़ोटोज़ हैं वो गलत एम में उनकी इमेज को एज़ अ वीडियो टाइप में बना करके और उसके बाद क्या है कि गलत तरीके से यूज़ किया जा रहा है जिससे कि सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा उनके लिए गलत बातें बोली दी जा, बोली जाती हैं तो डी फेक टेक्नोलॉजी में यही होता है कि आपके फ़ेस को काट करके एज़ अ वीडियो वो किसी और के फेस पर लगा देंगे और ऐसा लगेगा कि आप ही ये काम कर रहे हो इस तरीके से जो कुछ भी उस वीडियो में चल रहा है तो वही है डीफेक्ट टेक्नोलॉजी ये जो टेक्नोलॉजी बनाई गई थी ना ये एक सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए बनाई गई थी लेकिन इंडिया में ज़्यादातर बहुत ही ज़्यादा केसेज़ इस चीज़ के आ रहे हैं जिसमें कि लोगों के फेसेस का गलत यूज़ करके और लोगों को हेरेस किया जा रहा है उनको ब्लैक किया जा रहा है ऐसे बहुत से केसेज़ आते हैं इस चीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है इस चीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है कि अगर लोग अवेयर हो जाएँ क्योंकि क्या है कि आज के डेट में ना लोगों को अगर साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड हम लोग कुछ भी बोलते हैं कि हमें इस तरीके से इसमें सिक्योर रहना चाहिए ये करना चाहिए तो लोग ज़्यादा ध्यान देते नहीं है बोलते कि साइबर सिक्योरिटी है कोई इतना बड़ा इशू है नहीं लेकिन जब हो जाता है उनके साथ तो फिर तब वो पछताते हैं और तब उनको थोड़ा सा पता लगता है कि हाँ ये चीज़ हार्मफुल है तो मैं ये चाह रहा हूँ कि किसी के साथ होने से पहले अगर किसी के साथ ऐसा होता भी है तो आप लोगों को क्या करना है कि अपने जो नियर बाय साइबर सेल वगैरह होते हैं तो वहाँ पे जा कर के आप लोगों को सबसे पहले अपनी जितनी भी आपके साथ जो भी घटित हुआ है वो सब चीज़ें आप लोग वहाँ पे बताएं और एक लीगल रिपोर्ट तैयार करके सबमिट करें ताकि कल जाके अगर आपके साथ कुछ भी हो तो उस चीज़ की जिम्मेदारी पूरी की पूरी गवर्नमेंट की हो और अगर आप लोग अकेले इस चीज़ में आगे जाएंगे तो आप लोगों को बहुत ही ज्यादा खतरा हो सकता है एक चीज़ में और हमारी जो डे टू डे लाइफ है उसमें जैसे मैं भी पढ़ती रहती हूँ और नेट सर्फिंग में हमें भी नज़र आता है कि आजकल जो आ, कहते हैं कि आपके जो अकाउंट से मनी है वो कहीं ट्रांसफ़र हो गया किसी फेक अकाउंट में चला गया तो वो सब भी इसी से रिलेटेड है हाँ वो सब भी इसी से रिलेटेड है देखिए कभी भी हमारे अकाउंट से जो पैसे जाते हैं ना वो ऐसे ही नहीं चल जाते कि अपने आप कट गए विदाउट हमें इन्फॉर्म मतलब विदाउट हमारी नॉलेज के बेसिकली क्या होता है जब भी कोई स्कैमर होता है या कोई भी हैकर होता है या फ्रॉडस्टर होता है वो जब भी कभी स्कैम करने की कोशिश करता है तो वो हमेशा इंसान का बैकग्राउंड चेक कर लेता है कि इंसान एक्चुअल में टेक्नोलॉजी या फिर साइबर सिक्योरिटी के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज रखता है या नहीं और जो नहीं रखता उनके साथ ज़्यादा स्कैम्स होते हैं क्योंकि वो क्या करते हैं ओटीपी या फिर किसी भी लिंक पे उनसे क्लिक वगैरह करवा देंगे और देन उनके बाद उनका एक्सेस ले लेंगे या तो फ़ोन का एक्सेस ले लेंगे या तो फिर किसी तरीके से उनको लॉटरी वगैरह इन सब चीज़ों में लुभा करके और उनके साथ स्कैम कर ही देंगे तो यही है स्कैम डायरेक्टली नहीं होता स्कैम होता है इंसान की गलती की वजह से इंसान ने जो स्टेप ले लिया गलत स्टेप ले लिया तो उसकी वजह से स्कैम होता है डायरेक्टली अकाउंट से पैसे नहीं जाते जैसे आज का जो युवा है वो तो फिर भी इन चीज़ों को समझता है हाँ। लेकिन मैंने देखा है जैसे 35 प्लस या 40 प्लस के जो लोग हैं जिन्होंने अपने बेसिक्स में कभी कंप्यूटर्स का और इन चीज़ों का नॉलेज नहीं था उनके लिए आप क्या कहना चाहें उनके लिए ये है कि आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम्स रन कर रही है गवर्नमेंट जो कि क्या है कि आम लोगों के लिए आम सोसाइटी के लिए जिन लोगों को इसके बारे में थोड़ी भी नॉलेज नहीं है तो वो इस चीज़ में कर सकते हैं मीन्स कि होता क्या है आज की डेट में हर किसी को आ, अप्रॉक्स 98 परसेंट जो सोसाइटी होती है एजुकेटेड उनको पता रहता है कि इंटरनेट का यूज़ किस तरीके से करना है लेकिन उनमें से सिर्फ 40 परसेंट सोसाइटी जो होती है उनको इतना पता है कि इंटरनेट के अंदर सिक्योर कैसे रहना है हमें यूज़ करना तो आता है लेकिन सिक्योर रहना नहीं आता तो उसी लिए, इसी के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम्स काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस कैंपेन्स चलते हैं जो कि लोगों को ऑनलाइन अटेंड करनी चाहिए आप लोग लिखोगे कि अवेयरनेस कैंपेन रिगार्ड साइबर सिक्योरिटी तो आपको काफ़ी ज़्यादा ऐसे कैंपेन्स मिलेंगे और उनमें बहुत ही ज़्यादा नॉलेज भी मिलेगी आप तो ये यही कहना चाहता कि कि आप लोग जितने जादा से जादा को करोगे, उतना आप लोग लोग जितने ज्यादा 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 से को करोगे उतना जैसे एक 50 प्लस जो जो है या आजकल क्योंकि अब सब कुछ फोन पे फोन पे आपके गूगल पेज है फोन पे या कोई भी यूपीआई है और वो इस तरह के बहुत ज्यादा उनको नॉलेज भी नहीं है साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड तो कुछ मोटा मोटा आप दो चार बातें अगर कुछ कहना चाहें उन्हें क्या ध्यान रखें कुछ टिप्स आप लोगों को बता देता हूँ कि कभी भी देखिए आप लोग जब भी कोई भी क्यूआर कोड स्कैन करते हैं तो उसमें आप लोग पैसे भेज रहे हैं ना कि आप कोई पैसे रिसीव कर रहे हैं बेसिकली क्या होता है कि काफ़ी स्कैम्स ऐसे भी होते हैं कि आप लोगों को कहा जाता है कि आ, मैंने आपको एक आ, आपको इतने पैसे भेजे हैं और आप उसको एक्सेप्ट कर लो वो ही आप एक्सेप्ट कर लोगे तो तब आपके उसमें अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे वो पैसे लेकिन याद रखना अगर कोई भी आपसे ये बोलता है कि क्यू आर कोड को स्कैन करके पैसे रिसीव कर लो तो वो पैसे रिसीव नहीं होंगे वो पैसे आपने पे किए हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखना और सेकंड थिंग ये है कि ऑनलाइन की जितनी भी ये लिंक्स वगैरह होती हैं आलतू फालतू की लिंक्स होती हैं जैसे टेलीग्राम में काफ़ी ज़्यादा लिंक्स होती हैं जो कि लोग क्या करते हैं कि मूवी डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम का यूज़ करते हैं तो कोशिश करना कि ये जो अनऑथराइज़ लिंक्स वगैरह होती हैं जिनके बारे में आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो उनसे दूर ही रहें और आपके ई में जो स्पैम्स वगैरह आते हैं या फिर ई में कोई भी आपको लॉटरी से रिलेटेड या एस में लॉटरी से रिलेटेड मैसेजेस आते हैं तो उनको इग्नोर करें जितना ज़्यादा आप इन चीज़ों को इग्नोर करोगे उतना ज़्यादा आप सेफ़ रहोगे एक चीज़ जो मेरी जानकारी में है एंटी वायरस हाँ, कहते हैं कि जो कंपनीज एंटी वायरस बनाती हैं वही नया नए जो वायरस हैं उनको लॉन्च करती रहती है ताकि उनको प्रॉफिटेबल बिजनेस मिल सके तो आप क्या कहेंगे मैम मैं हर किसी कंपनी के बारे में तो नहीं कहूँगा हाँ बट आपने जो मेरे को ये पॉइंट बोला है ये एक्चुअली में हुआ ऐसी है ऐसी चीज़ें क्यों क्योंकि क्या होता है कि कुछ कंपनीज ऐसी हैं ज़्यादा कंपनीज़ भी नहीं है मान के चलिए अगर 100 एंटीवायरस की कंपनीज़ भी हैं तो उनमें से सिर्फ दो से तीन कंपनी ऐसा करती हैं ऐसा काम कि अपने आपको प्रॉफिट में रखने के लिए वो क्या करती हैं कि एंटीवायरस सबसे पहले बेचती हैं अपना देन उसके बाद क्या करती हैं वो वो कंपनीज़ आपको एक तरीके से एंटी वायरस जैसी आप उनके उसमें इंस्टॉल करोगे तो कहीं ना कहीं आप एक तरीके से वायरस का पूरा लॉग अपने पी में इंस्टॉल कर लेते हो देन उसके बाद आपको क्या होता है फाइल करप्ट होना शुरू होती हैं फिर उसके बाद आपका धीरे धीरे डेटा जाने लग जाता है तब आपके बाद जो एंटीवायरस जो आपने इंस्टॉल किया है वो आपको दिखाता है कि आपको क्या है कि अगर पूरी की पूरी वायरस को रिमूव करना है तो आपको इसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा एक तरीके से अपनी बिजनेस स्ट्रेटजी को और इन्हैंस करने के लिए लोग ऐसा करते हैं कि वायरस डाल देते हैं उस वायरस को ही हटाने के लिए आप लोगों को पहले सब्सक्रिप्शन लेना है देन उसके बाद ये वायरस हटेगा ऐसे काम करते हैं इनसे बचने का कोई तरीका है बचने का तरीका मैम ये है कि कुछ ऐसे एंटीवायरस हैं जो कि बहुत ही जाने माने हैं और जैसे कि मैंने भी नॉर्टर्न इंटरनेट सिक्योरिटी और आवास के लिए काम किया है तो ये दो एंटीवायरस बेस्ट हैं साथ ही साथ में कैसपर स्काय नाम का एक एंटीवायरस है उसकी आधे से ज़्यादा सर्विसेज फ्री हैं तो आप लोग अपने फ़ोन में या फिर अपने पीसी लैपटॉप्स में कैसपर स्काय एंटी को डाउनलोड करके काफ़ी हद तक सिक्योर रह सकते हो मेरी जानकारी के अनुसार आपके पास गूगल आई बी एम माइक्रोसॉफ्ट रिलायंस काफ़ी नामी कंपनीज के जॉब ऑफर्स आए हैं और प्रोजेक्ट्स भी आप उनके डील करते हैं कैसा लगता है काफ़ी अच्छा लगता है मैम उस टाइम पे जब इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज से ऑफ़र आते हैं प्रोजेक्ट प्रपोजल्स आते हैं क्योंकि 2011-12 में ना कभी मेरा भी ये सपना था कि मैं इन बड़ी कंपनीज के लिए काम करूँगा या फिर जॉब करूंगा इनके साथ तो जॉब तो नहीं पर ऐसा है कि प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वो मेरे लिए उससे भी बड़ी बात है कि कोई कंपनी मेरे को अंडर में ना रख के मेरे साथ काम करना चाह रही है तो वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब एक तरीके से मेरे लिए भी और मेरे फैमिली के लिए भी बहुत ही ज़्यादा प्राउड की बात है तो बहुत अच्छा लगता है उस चीज़ में अभी आप आ, कौन कौन से आपने प्रोजेक्ट्स किए हैं या कर रहे हैं कुछ बताएँगे अभी मैम बेसिकली मेरा आई का इंटरनेशनल बिजनेस मशीन जो कि बहुत ही बड़ी कंपनी है जिसने कि आपके एक तरीके से जो हार्ड डिस्क होती है ना हमारी तो वो भी डेवलप उसी ने किया है उस टाइम पे तो इस अभी तो मेरे आई के साथ प्रोजेक्ट चल रहा है साथ ही साथ में प्रीवियस प्रोजेक्ट जो था वो मेरा माइक्रोसॉफ्ट के साथ था और गवर्नमेंट के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि नेशनल इनफॉर्मेटिक सेंटर राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र में मैं एज़ अ सीनियर सिक्योरिटी एक्सपर्ट भी हूँ तो वहाँ पर भी थोड़ा सा ऐसा होता है कि हमें गाइड करना पड़ता है वहाँ पे कि किस तरीके से सिक्योरिटी को डेवलप किया जाता है क्या किया जाता है तो यही है मैम और साथ ही साथ में नेस्कॉम के साथ भी दो तीन प्रोजेक्ट्स चलते हैं मेरे साल भर में एक चीज़ थोड़ा पर्सनल है हाँ। लेकिन मुझे लगता है कि क्योंकि हमारा युवा आपको ज़रूर देख रहा होगा तो पूछने में मुझे कोई परहेज नहीं है कि जिस एज में लोग क्योंकि ये जो आपकी एज है ये करियर और अगर मैं बात करूं तो गर्लफ्रेंड से रिलेटेड तो दोनों साइमल्टेनियसली uh, चलता है हाँ। आपको देख के मुझे लगता है कि आपने अपने करियर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है तो सेकंड वाला जो पहलू है गर्लफ्रेंड का कभी आया नहीं दिमाग में आ, नहीं मैम ऐसा तो मैं इसमें क्या बोलूँ आपसे बट हाँ मैं एक चीज़ ना जो आप एज अ बोल रहे हो कि यूथ को थोड़ा सा अवेयर करने के लिए देखिए आपको अगर फोकस होना है तो ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ एक ही चीज़ पे आप लगे रहोगे तभी आप सक्सेस पाओगे या कुछ भी क्योंकि काफ़ी मैंने एजेस बच्चों को ऐसे भी देखा है कि वो पढ़ाई में इतना ज़्यादा फोकस्ड हो जाते हैं कि वो आम सोसाइटी से कट ऑफ हो जाते हैं और ना खेलते हैं ना कुछ भी बातचीत उनका बिल्कुल जीरो सब चीज़ें तो ऐसा भी नहीं होना मैं ये नहीं बोलता कि आप लोग आ, बिल्कुल ही ऐसा फोकस्ड हो जाओ बट कोशिश करना कि मल्टी टैलेंटेड बनो कि जिसमें कि आप लोग सब चीज़ें बैलेंस करके चल सको क्योंकि अगर कोई बैलेंस के साथ हर चीज़ ले करके चल रहा है ना तो आज की डेट में ओरिजिनली वही सक्सेस है अगर कोई बैलेंस के साथ चल रहा है तो जी मैं देखती हूँ आजकल के जो बच्चे हैं खासतौर पे जो चौदह पंद्रह जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं और जब से कोरोना आया तब से बच्चे बच्चों के हाथ में मोबाइल है और मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो गेमिंग में और इन चीजों में लगे पड़े हैं पेरेंट्स की एक बड़ी शिकायत है कि बच्चे जो हैं वो पढ़ नहीं रहे हैं और फोन पे हैं आप क्या कहना चाहते हो बच्चों को ये तो मैम थोड़ा सा जब चाइल्डिश वाला दिमाग होता है वो ऐसे ही होता है कभी इधर तो कभी उधर तो काफ़ी चीज़ों में ऐसा होता है ना कि बच्चों को तो आज के डेट में अगर जैसे काफ़ी बच्चे बोलते हैं कि मुझे गेमिंग में इंटरेस्ट है तो गेमिंग में भी काफ़ी ज़्यादा ऐसे बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं ऐसे कोर्सेज़ भी लॉन्च हो चुके हैं जो कि आपको क्या है कि एज़ अ गेम डेवलपर या फिर एज अ थ्री डी आर्टिस्ट थ्री डी एनिमेटर वगैरह जो बना सकते हैं तो ऐसा है कि अगर आप उस चीज़ में थोड़ा सा फोकस्ड हो अगर आप गेम भी खेल रहे हो ना तो कोशिश करना कि अगर आपको ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है उस चीज़ में तो आप लोग के लिए क्या करना है कि उस चीज़ के बारे में रिसर्च करना शुरू करो कि मैं इसी फील्ड को अपना करियर कैसे बनाऊँ मेरे को इसमें इंटरेस्ट है तो मैं इसी फील्ड में जाना चाहता हूँ तो मैं इसमें किस तरीके से काम करूँ क्योंकि मेरे भाई लोग भी हैं वो भी एनिमेशन थ्री डी में है इन चीज़ों में तो मैं ये नहीं कहता कि गेम खेल के बिगड़ते हैं या कुछ भी होते हैं आप बनाने के लिए तो इनमें भी अपना करियर बना सकते हो क्योंकि जो गेम वो खेल रहे हैं वो भी तो किसी ने बनाया होगा कोई ऐसी बात जो आप कहना चाहें युवा को आ, यही कहना चाहता हूँ कि आपने ड्रीम्स को ना हमेशा फॉलो करो क्योंकि ऐसा होता है काफ़ी चीज़ें हम ये सोचते हैं ना कि नहीं मुझसे ये नहीं होगा या फिर मुझे ये करना है या नहीं करना है काफ़ी ज़्यादा बच्चे जो हैं वो सोच में पड़ जाते हैं और सोच में इतना ज़्यादा पड़ जाते हैं कि उनका टाइम आधे से ज़्यादा निकल जाता है तो कोशिश करो कि अपने ड्रीम्स को ना पहले से सोच करके रखो उन पर काम करना स्टार्ट कर दो पहले से ही और वही है कि अगर आप बिल्कुल फोकस्ड रहोगे उसमें अच्छे से करोगे अपना हंड्रेड परसेंट दोगे तो आप किसी भी अचीवमेंट कुछ भी अचीव कर सकते हो उसको अचीव करने से आपको कोई रोक नहीं सकता तो जरूरी नहीं है कि आप साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में ही जाओ किसी भी फील्ड में जाओ लेकिन फुल्ली फोकसड रोके जाओ एक आखिरी सवाल जी आपको कितने साल इस फील्ड में हो गए और कैसा आपका एक्सपीरियंस टोटली मैम मैं, मैं कहूँ तो मेरे को सिक्स ईयर्स इस फील्ड में हो चुके हैं और एक्सपीरियंस की बात की जाए तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मीन्स कि मैं ये नहीं बोलता कि मुझे साइबर सिक्योरिटी टी में सब चीज़ें पता है लेकिन जैसे जैसे जब मैं प्रोजेक्ट्स वगैरह करता हूँ या किसी भी कंपनी के साथ या गवर्नमेंट फर्म के साथ जब काम करता हूँ तो काम करने के साथ साथ मुझे सीखने को भी मिलता है तो इस चीज़ में मुझे और भी अच्छा लगता है कि मैं काम करने के साथ साथ सीख भी रहा हूँ अपने सीनियर्स वगैरह से तो एक्सपीरियंस की बात ओवरऑल की जाए तो बहुत ही अच्छा है बहुत सारे पहलुओं पर जो प्रकाश डाला वो बहुत अच्छा था और मुझे उम्मीद है कि हमारा यूथ और हमारे जो सीनियर सिटीजन या जो भी आपको देख रहे हैं वो अवश्य लाभान्वित हुए होंगे आपका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सो मच और आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि इस तरह के युवा इस तरह के नॉलेजेबल या शख्सियतों से मिलने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा बहुत बहुत धन्यवाद